नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानुराम, आशा करता हूँ कि आप सभी भाई बहन से होंगे वह स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज जो मैं प्रयोग लेके आया हूँ, ये प्रयोग मैं लाइव तो नहीं कर सका, लेकिन फ़ोटो वो जो स्क्रीन पे थंबनेल लगा वो आप देख के समझ गए होंगे कि किस चीज़ का है। और ये फ़ोटो स्क्रीन पे जो थंबनेल लगा हुआ है, ये मैंने प्रयोग किया था एक लड़के पे और उसका फ़ोटो लिया था, ठीक है ना। और इसी मंत्र से आप करिए प्रयोग, ठीक है। आपको ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ थाली चिपकाने के लिए, इस मंत्र को आपको 15 बार पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ने का इसका तरीका रहेगा जो मैं बताऊंगा, उस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उस तरीके से करोगे तो जो भी चीज़ होगी इसी थाली के अंदर आप भूत प्रेत भी बांध के रख सकते हो, लेकिन प्रयोग मैं बताऊंगा उस तरीके से करोगे तो। इसी थाली से आप भूत प्रेत बांध के रख सकते हो, इसी थाली से आप जादू टोना भी खींच देती है, जहर भी खींच देती है, ठीक है। तो अब आपको बताता हूँ कि करना कैसे। मित्रों, जो नीम आता ना, नीम हर जगह होता है, तो नीम की एक लकड़ी लेना है, मतलब इतनी कम से कम वो 3-4 इंच की लकड़ी लीजिए, उसको घिस के और उसको उसके ऊपर मतलब उसको सुखा के और उसको आगे से थोड़ा तीखा कर लेना, जैसे पेंसिल होता ना उस टाइप लकड़ी। जाड़ी लेनी है आपको, पतली नहीं लेनी है, हमारे हाथों की अंगूठा होता है इतनी जाड़ी लेनी है, ठीक है ना। एक आदमी के हाथ का अंगूठा था इतनी जाड़ी लेनी, और अंगूठे जितना ही लंबी लेनी है। उस लकड़ी को आपको क्या करना, ऐसा घिस के मंगलवार के दिन ये प्रयोग करके आप रख लीजिए, ठीक है ना। ये एक बार ही करना है, वो लकड़ी लेनी है आपको, और कांसे की थाली आप अपने भी प्रयोग कर सकते हो और किसी और की हो तो कर सकते हो। आपको उस लकड़ी से थाली के इर्द गिर्द ऐसे घुमाना है वो, तो ये सिद्ध करना, वो लकड़ी सिद्ध होती है, मैं बता देता हूँ आपको तरीका। तो आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन, ये हनुमान जी का मंत्र, मंगलवार के दिन, आज जैसे मंगलवार है, तो वो लकड़ी आपको न्योता दे के मित्रों बनानी है, ठीक है ना। न्योता आप नहीं दे सकते तो फिर भी चलेगा, न्योता दे के बनाते तो उसमें भी वीर आता है, उसमें भी शक्ति आ जाती है, मतलब कि एक शक्ति आप मिलती है आपको वहाँ से प्राप्त होती है। तो जैसे न्योता देना है तो हर एक को पता कि कैसे न्योता देते हैं, कि उसको एक दिन पहले जाके न्योता दे के आओ और उधर कुछ अगरबत्ती 5 जला के आओ या फूल पल वगैरह कुछ मिठाई वगैरह रख के आओ उधर, फिर जाके वो लकड़ी काट के ले आओ, काट के और उसका वैसे बना लेना है आपको, और उसको हनुमान जी के जो चरणों में, हनुमान मंदिर में जाना, हनुमान जी के जो चरणों में सिंदूर लगा रहता है, ठीक है ना, हनुमान के मंदिर में बैठ के आप उसके ऊपर पहले ये मंत्र मैंने बताया वो 108 बार पढ़ लेना, उसको सिद्ध कर लेना है, और फिर वो हनुमान जी के जो चरणों में सिंदूर लगा रहता है वो उसके ऊपर मल लेना है पूरा, एक बार पूरा मल लेना, फिर वैसे फिर आगे कोई जरूरत नहीं, एक बार वहाँ पर ये सिद्ध करते समय मलना है आपको। ये भयंकर वाला प्रयोग बता रहा हूँ, ये किसी को पता नहीं मित्रों, आज तक यूट्यूब पूरे पे किसी को ये नहीं पता है प्रयोग। तो आपको लकड़ी जब सिद्ध कर रहे हो ना आप सामने, तो आपको लकड़ी पे एक मंत्र पढ़ना, एक फूंक मारना, ऐसा करना, फिर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर है वो लेके आना है, वो वहाँ से उठाना, तुरंत उस पर लगा लेना है, ठीक है ना, तुरंत उस पर लगा के पूरी लकड़ी को, ये भाई भगत लोग हैं उनों के लिए बता रहा हूँ, पूरा उस पर मल के, और आपको ऐसा कहना कि हे हनुमान बाबा, इससे मैं जब भी कोई बंधन मारूं, तुरंत बंधन मरना चाहिए, ठीक है, तुरंत बंधन लगना चाहिए, ऐसा कह के आपको लेके आना है। अब आपको घर पे लाके उसको रख देना, पूजा स्थान वगैरह में अपने रख सकते हो। जब कभी भी कोई भी मरीज आए तो इस मंत्र को 7 बार से मित्रों चिपक जाता, लेकिन 15 बार पढ़ना, भूत प्रेत बांधना है ना, 15 बार ये मंत्र पढ़ना, ये मैं आपको बता दूँ। उसके अंदर भूत सवारी ले रहा है और बार वो सवारी ले रहा है या सवारी नहीं ले रहा, तो भी ये थाली खींच के उसको सवारी मंगा देती है, उसके ऊपर सवारी आ जाएगा, तुरंत वो बोलने लगेगा, ठीक है ना। और नई सवारी ले रहा है या फिर बार बार सवारी ले रहा है, भागता जा रहा है, सवारी ले रहा है, भागता जा रहा है, मतलब आता है उसको बंधन में लेने की कोशिश करते हैं तो भाग जाता है। कई बार बंधन भी मारना पड़ता है, ऐसे गोल दायरे वाला भी बंदिश मारनी पड़ती है, ये नए साधक उन लोगों को बता रहा हूँ। तो आप इस मंत्र को इतना अपने, अब थाली को कैसे करना, कभी भी कोई भी थाली किसी के घर पर जाए, खुद की हो चाहे उनों की हो, तो थाली को धो धोवा के साफ़ करके रखना है, और इस मंत्र से 15 बार आपको वो जो मैंने लकड़ी बताई थी वो लकड़ी के साथ घुमाते हुए पढ़ना है, और थाली पे फूंक मारना है ऐसा, और उसको सिर्फ इर्द गिर्द ऐसे घुमाते रहना थाली के, जैसे सूरज घूमता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर ढलता है ना, उस तरीके से घुमाना उसके ऊपर एकदम, और फिर आपको प्रयोग में लाना है, ठीक है मित्रों।
और फिर वो थाली उठा के और थाली पे फूंक मारते रहना, फिर वो थाली उठा के उसके पीठ पे चिपका दो, और वो जो लकड़ी है वो अपने साथ रखना, लकड़ी का जो टुकड़ा था वो अपने साथ रखना, जेब में रख ले या किसी ऐसी जगह रख ले कि वो जो सामने आदमी जिसके अंदर सवारी आया हुआ है भूत वो मतलब उसको सू ना सके। वैसे इतना ही करना आपको, अगर वो सू लिया तो वो खुल भी सकता है, ठीक है ना, उसको नहीं सूने देना, वो अपने पास में जेब वगैरह में रखे, फिर वो जो भी वचन वगैरह होंगे अपना करके चला जाएगा। और तंत्र भी ऐसा लगा के खींचते हो तो अपने आप तंत्र खींच के पूरा कैसा भी तंत्र हो तुरंत खींच के, और थाली ज़मीन पर गिर जाएगी, तंत्र होगा खींच के थाली ज़मीन पर गिर जाएगी, जहर होगा खींच के थाली ज़मीन पर गिर जाएगी, भूत उसके अंदर है सवारी लिया हुआ, भूत भागेगा तो थाली ज़मीन पर गिर जाएगी, ये इसके हैं परिणाम। तो अब बाकी वाले वही साधकों को अब मैं लॉन्ग वाला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और हांडी वाला नींबू वाला तीन वीडियो और बनाने हैं। इसी के अगर आप लाइव चाहते हो तो मेरे इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक आने चाहिए, ठीक है ना, और 1000 कमेंट आने चाहिए, इतने जिस दिन आ गए मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, नहीं तो आज के बाद से। अब मित्रों आपको मैंने देखा 300 से ज़्यादा लाइक नहीं आ रहे, और देखते हैं 4-4, 5-5 हज़ार, फिर मतलब क्या हुआ, लाइक करिए 1000 कमेंट होगा 1000 लाइक होगा, कुछ भी लिख के भेजिए, हर साधक को 5-5 कमेंट करने, ठीक है ना, 1-1 लाइक करना, 1000 लाइक होगा इस वीडियो पे मैं तुरंत का तुरंत लॉन्गो वाला वीडियो पूरा विधि से पूरा बता दूंगा, ठीक है ना, प्रयोग करके आप कहोगे तो लाइव बताऊंगा, सीधा कहोगे तो बता दूंगा, और अगर इतना नहीं हुआ तो फिर नहीं डालूंगा मित्रों, क्योंकि मैंने 3 वीडियो डाले, आपने कमेंट आपके खास नहीं आए, ना ही कोई लाइक आए खास, तो फिर मित्रों मेरे को क्या मतलब, मैं आपके खातिर इतना वीडियो डाल दूँ, प्रैक्टिकल प्रयोग वगैरह सब करके बता रहा हूँ, तो अब प्रैक्टिकल प्रयोग आपको देखना, तो आपको भी प्रैक्टिकल कुछ करना होगा हमारे लिए, ठीक है ना। मैं कभी नहीं आपको बोला, कभी भी नहीं बोला, मैंने चैनल बनाए आज मेरे को 3 साल हो गए, कभी भी नहीं बोला कि लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, लेकिन अब लाइक और शेयर सब्सक्राइब आएंगे, सब्सक्राइब की जरूरत नहीं, सब्सक्राइब आप ही बहुत हो, ठीक है ना, लेकिन लाइक करोगे कमेंट करोगे तो ही वीडियो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा।